कोरबा जिले में एट्रोसिटी से जुड़ने मामले में पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत सहज वातावरण में पीड़ित पक्षों की शिकायत सुनकर निराकरण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकरणों में पीड़ितों व आश्रितों को शासन के नियमानुसार क्षतिपूर्ति राहत राशि व अनुरक्षण मद के द्वारा सहायता राशि स्वीकृत कराई जा रही है। पिछले 3 सालों में अजाक पुलिस ने 2,12,75,000 की राशि स्वीकृत कराई है। एसटीएससी पीड़ित क्षतिपूर्ति राहत राशि योजना में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में पीड़ित व आश्रितों को शासन के नियमानुसार राहत राशि दिए जाने का प्रावधान है। क्षतिपूर्ति राशि शासन के द्वारा विभिन्न चरणों में प्रदान किए जाते हैं। प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने, पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करने व अंतिम किस्त न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय के बाद आरोपी को सजा मिलने पर प्रदान की जाती है। उप पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे ने बताया कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत विभिन्न प्रकरणों में पीड़ित व आश्रितों को शासन द्वारा क्षतिपूर्ति राहत राशि अनुरक्षण मद के तहत सहायता राशि प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर होने वाले अन्याय, उत्पीड़न एवं अपराध के खिलाफ जो अपराध निबद्ध होते हैं, उन सभी प्रकरणों में शासन के निर्देशानुसार पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किए जाने की योजना है। और उन समस्त प्रकरणों में हमारे द्वारा थाना अजाक के द्वारा प्रतिवेदन तैयार करके आदिवासी कल्याण विभाग को प्रेषित की जाती है, जहां पर जो निर्धारित राशि है वो स्वीकृत किए जाते हैं, तत्पश्चात उनको वितरित किया जाता है। और वर्तमान में थाना अजाक कोरबा में किसी भी प्रकार का ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें प्रतिवेदन नहीं भेजी गई और राशि स्वीकृत नहीं कराई गई है। अतः समस्त प्रकरणों में राशि स्वीकृत कराई गई है, जिसके तहत जो है 2,12,75,000 विगत 3 वर्षों में थाना अजाक के द्वारा स्वीकृत कराकर संबंधित जो पीड़ित हैं और उनके आश्रित हैं उनको प्रदान की गई है। इस संबंध में हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय एवं आदरणीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का सख्त निर्देश है कि समस्त प्रकरणों में तत्काल ही क्षतिपूर्ति राहत राशि हेतु प्रतिवेदन तैयार करके संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाए। इसके तारतम्य में समस्त प्रकरणों को प्रतिवेदन तैयार करके भेजी गई है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।